अयोध्येत सध्या 22 तारखेच्या सोहळ्याची जोरदार तयारी सुरू झाली. अयोध्येतील धर्मपथ भागात आकर्षक रंगरंगोटी केली जाते आणि याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी आनंद पांडे यांनी, पाहूया. मैं इसमें अयोध्या में खड़ा हूँ. यह धर्मपथ के नाम से जाना जाता है. भगवान रामलला की प्रतिष्ठा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही हैं. आपको बता दें पूरे इलाके में जो है पेंटिंग का काम शुरू किया कर दिया गया है. आपको बता दें कि यह रावण दरबार है. रावण दरबार में हनुमान जी पहुँचते हैं और हनुमान जी रावण को समझाते हैं और अपने बल को दिखाते हैं. रावण के दूत जो है क्रोधित हो जाते हैं और उनके पूँछ में आग लगा देते हैं. यहाँ पे चित्रीकरण यहाँ पे लोग कर रहे हैं. उन चित्रकारों से हम बातचीत करना चाहेंगे. क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग पेंटिंग कर रहे हैं, पूरे अयोध्या में पेंटिंग की जा रही है और यह रामपथ है. रामपथ पे पूरी तरह से इसी तरह का 22 तारीख तक पूरा जो अयोध्या राममय हो जाएगा और उस पर चित्रीकरण किया जाएगा. क्या कहेंगे आप लोग इधर? बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे काम करते हुए. और यहाँ पे हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला है जो कि राम मंदिर से रामायण का जितना भी चित्र होगा ना वो यहाँ पे सारा दिखाया जाएगा. जितनी वॉल है यहाँ पे वही सारी दिखाई जाएंगी. अभी क्या दिखा रहे हैं? अभी हम लोग दिखा रहे हैं जो हनुमान जी को बंदी बना के लाया गया था वही चित्र यहाँ पे है. कर्नल मोहन के दुबे के साथ आनंद पांडे, अयोध्या.